हमने ये डिस्कस किया कि ओमेगा का मतलब था डी थीटा बाई टी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वॉज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है, अगर एक बॉडी, मैंने बताया था, एक चक्कर पूरा करती है वन रेवोल्यूशन, तो सेंटर पे एंगल कवर्ड कितना है? 2 पाई। तो बोलो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाय कैपिटल टी। क्या ये याद है सबको? क्वेश्चन आएगा, अर्थ जो कि अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसकी भी तो कोई एंगुलर वेलोसिटी होती होगी ओमेगा, तो बताओ अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है? सही। तो अर्थ के केस में एक रेवोल्यूशन में एंगल कवर्ड कितना है? 2 पाई। और कितनी देर में? 24 आवर्स में। 24 × 60 × 60, तो क्या बनेगा? इतने रेडियंस पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर ओमेगा का। तो अगर अर्थ का ओमेगा निकालना हो तो आई होप अर्थ का ओमेगा तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक मिनट हैंड है या आपके पास एक आर हैंड है, तो ये एक घड़ी है, तो आपको क्या करना है? ये आपकी छोटी सुई है घड़ी की, इसका ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाय 60। छोटी सुई बोल रहा हूँ, बड़ी सुई नहीं बोल रहा। छोटी सुई कितनी देर में एक चक्कर काटती है पूरी घड़ी का? घंटों में 12 घंटे। 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में 12 से 12 बजे सुई आती है, ऐसा नहीं होता? अच्छा पहले सोच लो, ऐसे होता है? 12 पे सुई है छोटी सुई, चलो दिन के 12 बजे है, रात के 12 बजे तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा, कितने घंटे हुए? 12। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 12 × 60 × 60। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ओमेगा की कैलकुलेशन कैसे है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ कि अगर सपोज करो कोई भी बॉडी ये सर्कल में घूम रही है, या लेट अस सपोज कोई भी बॉडी है और एक आप ये मान लें कि एक डिस्क है और डिस्क अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है कुछ इस तरीके से। एक्सिस समझते हो, मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, ये कुछ भी नहीं है। ओमेगा के साथ पूरी की पूरी डिस्क रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मेरे पास कुछ मासेज हैं, एक पार्टिकल है m1, एक पार्टिकल है m2 और एक पार्टिकल है m3 और अलग अलग डिस्टेंस में। आप बस मुझे ये बताएं कि इनके लिए ओमेगा सेम होगा कि डिफरेंट होगा? पूरे डिस्क घूम रही है, जो पार्टिकल दूर है पास है, घूमने की स्पीड तीनों की सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? कितने लोग बोलते हैं सेम रहेगी और कितने लोग बोलते हैं कि डिफरेंट रहेगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तेज घूमेगा और ये स्लो घूमेगा और ये थोड़ा और स्लो घूमेगा? मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पूरे रूम को घुमा दूँ तो घूमने की वेलोसिटी तुम्हारी अलग और मेरी अलग, ऐसा होगा? ओमेगा क्या सेम होगा? अच्छा, ओमेगा का मतलब क्या होता है? कितना एंगल कवर किया, कितने समय में क्लियर कवर किया, d θ/dt, यही होता है ओमेगा। आप बस मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ओमेगा की वैल्यू, मान लो अगर मैं इसके लिए बात करूं और ये बात करूं कि ये m1 पार्टिकल है, मान लो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया कुछ टाइम के बाद, m1 पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो ये बात पक्की है कि जो m2 पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ आ चुका होगा कवरिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और ऑब्वियसली जो m3 पार्टिकल है जो यहाँ पे था वो भी तो यहाँ आया होगा कवरिंग एन एंगल ऑफ कितना? थीटा, ऑब्वियसली थीटा। वो क्यों? आप देखो ना, हर कोई घूम रहा है और हर कोई, क्योंकि पूरी डिस्क का ओमेगा दे रहा हूँ मैं, पूरी डिस्क का ओमेगा समझते हो? पूरी डिस्क का मतलब है हर पार्टिकल की ओमेगा की वैल्यू सेम ही है, इसका मतलब ये है। नहीं तो मैं ये क्यों बोलता डिस्क का ओमेगा? डिस्क का ओमेगा क्या होता है? डिस्क का ओमेगा है जितने भी पार्टिकल्स हैं सेम स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं। अच्छा वैसे बताओ, ओमेगा का मतलब घूमने की वेलोसिटी, रोटेट करने की वेलोसिटी, और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी डिस्क सेम स्पीड के साथ घूम रही है, तो ओमेगा घूमने की वेलोसिटी सबके लिए एग्जैक्टली क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो भूलना नहीं है,
ओमेगा की वैल्यू इसमें सेम रहेगी, आपने डिफरेंट नहीं बोलना। चाहे कोई पार्टिकल दूर हो, कोई पास हो, जहां मर्जी हो, ओमेगा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास ये वही डिस्क है, ये एक डिस्क है और ये रोटेट कर रही है, राइट? ये रोटेट कर रही है विद ओमेगा, एक डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा, और मेरे पास फिर से पार्टिकल नंबर एम वन है, पार्टिकल नंबर एम टू है, पार्टिकल नंबर एम थ्री है। आपको ये बताना है जब भी ये रोटेट करेंगे इनके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी वी, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन में ओमेगा के साथ वी भी एग्जिस्ट करता है। तभी क्यों एग्जिस्ट करता है? मान लो कि अगर मान लो एक स्ट्रिंग है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक स्ट्रिंग अगर मास के साथ बंधा हो और वो स्ट्रिंग टूट जाए तो मास टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करता है, तो हर इंस्टेंट पर वी तो होगा ओमेगा के साथ। तो बताओ इसका वी इसके टेंजेंशियल होगा, इसका वी टेंजेंशियल होगा, इसका वी भी टेंजेंशियल होगा। बोलो वी की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट होगी, आपको ये बताना है इसमें। वी की वैल्यू ओमेगा सेम है, सेम स्पीड से पूरी डिस्क घूम रही है, ओमेगा सेम है, वी सेम है कि डिफरेंट है? कितने लोग बोलते हैं सेम है, सेम स्पीड से घूम रही है? कितने बोलते हैं डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्यों? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहला रिलेशन था। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का ओमेगा के साथ जो रिलेशन होता है आर के साथ डिपेंडेंट है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगर ओमेगा सेम है तो वी सेम है, क्योंकि ओमेगा तो सेम है ही है, लेकिन जिस आर सेम नहीं है तो वी भी सेम नहीं होगा। इसलिए जो पार्टिकल जितनी दूरी पे होगा उसका आर वन बड़ा होगा। तो यहां टेंजेंशियल वेलोसिटी एम वन इंटू आर वन होगी, सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर वन इंटू ओमेगा होगी। यहां पर क्या होगी? v2 टू इज इक्वल टू आर टू, मान लो ये r2 है, r2 टू इंटू ओमेगा होगी, और इसी तरीके से ये r3 है तो v3 की वैल्यू r3 थ्री इंटू ओमेगा होगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो आज के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा और ओमेगा वो सेम बोलेगा, आपने v सेम नहीं बोलना, v हमेशा हर पार्टिकल का डिफरेंट है। आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हो। इमेजिन करो एक डिस्क है, एक डिस्क घूम रही है सेम स्पीड के साथ, और उसके बाद सपोज करो कोई बिल्कुल कोई बंदा ना यहां पे खड़ा हुआ है डिस्क के, और डिस्क अभी घूम रही है और घूम रही है और घूम रही है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इस मैन को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसा बहुत तेज घूम रही है तो उठा के बाहर फेंक, तो जो पार्टिकल यहां पे खड़ा होगा, जो बंदा यहां खड़ा होगा, बहुत तेज बाहर गिरने वाला है, और जो यहां होगा वो कम तेज गिरने वाला है। क्यों? टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये चीज आपने भूलनी नहीं है, नोट करना है फॉर्मूला, जिसको भी नोट कर लो, चाहे ओमेगा सेम और वी डिफरेंट का ये कॉन्सेप्ट याद रखना, भूलेंगे नहीं।